क्लासमेट। अक्षय कुमार और रजनीकांत की फिल्म 2.0 के टीजर ने रिलीज होते ही यूट्यूब पर धूम मचा दी है, लेकिन लगता है फैंस को जैसे टीजर की उम्मीद थी वैसा टीजर देखने को नहीं मिला। जहां एक तरफ कुछ लोगों को टीजर पसंद आया, वहीं कुछ ने इसे बकवास बता डाला। अब लीजिए 2.0 के टीजर के चलते अक्षय के फैंस आपस में भिड़ गए हैं। ये बहस इतनी बढ़ गई है कि एक फैन ने तो अक्षय को कार्टून तक कह डाला है। आइए दिखाते हैं आपको कुछ ऐसे ही ट्वीट। बेवकूफ लोग, ये तो टीजर है, ट्रेलर आएगा तब असली मजा आएगा। VFX बना रहा है साउथ इंडिया वाले लोग, अक्षय को कार्टून बना के रख दिया है। फुल ऑन बकवास टीजर, नॉट इंटरेस्टेड। अक्षय कुमार जी, बेइज्जती करवा ली आपने, घटिया VFX, नए पैक में पुराना कचरा। वर्ल्ड क्लास पिक्चर है अक्षय कुमार की, कुछ मजा नहीं आया, लगता है Race 3 जैसा हो जाएगा। एक मिनट में तो 550 करोड़ की मूवी का VFX अपने मोबाइल में देख के बताइएगा, गरीब जा। तो देखा आपने, फैंस आपस में इतने भिड़ गए हैं कि 2.0 के टीजर का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, अक्षय कुमार के कुछ फैंस मेकर्स से ये भी शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने टीजर में अक्षय कुमार का केवल एक ही सीन रखा है। बता दें कि मेकर्स ने 2.0 पर 500 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया है। फिल्म में अक्षय विलन और रजनीकांत हीरो के रोल में हैं। इन दोनों के अलावा फिल्म में एमी जैक्सन भी हैं। वेल, टीजर को मिल रहे रिस्पॉन्स को देखने के बाद लगता है मेकर्स अब ट्रेलर को काफी ध्यान देने के बाद रिलीज करेंगे। वैसे आपको 2.0 का टीजर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और 2.0 से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।